नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, भोला का जो क्रेज है वो शुरू हो गया है। भोला की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और 2D 3D सभी, मतलब आईमैक्स 3D और 4DX तो पहले शुरू हो गई थी। 2D और 3D भी कुछ जगह शुरू हो चुकी है, कुछ शो शुरू हो चुके हैं। अभी पूरे भारतवर्ष में शुरू नहीं हुई है, आज शाम तक, आज रात तक डेफिनेटली शुरू हो जाएगी, ऐसी खबरें आ रही है। और दोस्तों, मैंने आपको लगातार इसके बारे में अपडेट दिया है। कल भी मैंने आपको रात को अपडेट दिया था और अजय देवगन सर ने खुद बताया है कि पेटीएम फास्ट टैग से आप खुद मतलब एडवांस बुकिंग करवा सकते हो और वहां पे आपको कुछ बेनिफिट भी होने वाला है, 50 रुपए का कोई वाउचर भी मिलने वाला है, ऐसा उन्होंने कुछ जानकारी दी है। उनके साथ में तब्बू भी थी, तो आप बुक करना शुरू कर सकते हैं और पूरी एडवांस बुकिंग आज रात तक शुरू हो जाएगी। फिलहाल जो मेरे पास रिपोर्ट है उसके अनुसार करीब करीब 1 करोड़ 40 लाख से 1.5 करोड़ रुपए के आसपास की एडवांस बुकिंग हो चुकी है अब तक, सभी को मिलाकर के आईमैक्स 3D और जो 4DX है और ये जो 2D के कुछ शो जो जहाँ पे एडवांस बुकिंग ओपन हुई है वहां से ये रिपोर्ट है। ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं, मैं आपको बता दूं, लेकिन मैंने कुछ चेक किया तो मेरे को एक ये छोटा सा अपडेट देखने को मिला है कि लगभग इतने के आसपास एडवांस बुकिंग अब तक हो चुकी है। पूरा अपडेट, ऑफिशियल अपडेट जैसे आता है मैं आपको और दूंगा। साथ ही दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ये भी जानकारी देने वाला हूँ कि टिकट प्राइसेस कितनी रह सकती है 2D और 3D की। तो दोस्तों, अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है उसमें 3D की जो मुंबई में जो प्राइसेस है वो 200 से 600 के बीच में रहेगी। वहीं दोस्तों, जो 2D की प्राइसेज है वो 100 से 400 के आसपास प्राइसेज रहने वाली है। दिल्ली में बात करें तो 3D की 200 से 600 के बिटवीन प्राइसेज रहेगी। अलग अलग जगह की अलग अलग प्राइसेज होती है, आप जानते ही है, और इसमें भी कई तरह के प्राइसेज अलग अलग होते हैं। ये आपको पता है कि कहाँ पर आप सीट बुक करा रहे हो उसके हिसाब से ये प्राइसेज डिफरेंट रहती है। वहीं दोस्तों, अगर दिल्ली की 2D की बात करें तो 100 से 500 के बिटवीन कहीं पे प्राइस रहने वाली है, और अगर अहमदाबाद की बात करें तो 200 से 700 रुपीज के आसपास 3D की प्राइसेज रहेगी, और अगर 2D की बात करें तो 130 से 500 रुपीज तक प्राइस रह सकती है। पुणे में 500 से 700 3D की प्राइसेज, और जो 2D की प्राइसेज है वो 160 से 400 रुपीज तक रहने वाली है। ये अप्रोक्सीमेट मैंने आपको बताया है कि इस तरह की प्राइसेज रहने वाली है। एवरेज टिकट प्राइसेज है बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, 200-300 रुपए का इनका एवरेज बैठता है, 200-300 के बीच में कहीं पर ही है प्राइस आकर के ठहरती है। अब जैसे इसके बारे में और पुख्ता रिपोर्ट आती है कि टोटल ओवरऑल जो एवरेज प्राइस कितनी है वो मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन ज्यादा प्राइस नहीं रहेगी, ठीक ठाक प्राइस रहेगी, बहुत ज्यादा भी नहीं रहेगी, बहुत कम नहीं रहेगी, क्योंकि 100 करोड़ से ज्यादा बजट की फिल्म है, बहुत ज्यादा इस पे प्रमोशन में भी पैसा खर्च हुआ है, तो डेफिनेटली प्राइसेस तो अच्छी रहेगी, प्राइसेस बिल्कुल लो नहीं रहेगी इस फिल्म की, ये आप मान के चलिए। और एडवांस बुकिंग की लगातार अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो ज्यादा ज्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा। मुझे लगता है कि ये फिल्म ना केवल दृश्यम 2 का रिकॉर्ड तोड़ेगी बल्कि 300 करोड़ के क्लब में भी शामिल होगी। आप क्या सोचते हैं बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।